कैंट मुक्ति धाम के सामने सिंध नदी से आ रही पाइपलाइन के गड्ढे में लड़ते हुए एक गाय गिर गई, जिससे चलते पाइपलाइन में थोड़ा बहुत क्रैक आ गया। देखते ही देखते जमीन में से पानी का फव्वारा चलने लगा। जिसने भी देखा कुछ देर खड़ा होकर सोचता रहा कि आखिर यह पानी कहां से आ रहा है। वहीं काफी लंबे अरसे तक इस पानी के बहने को रोकने की किसी ने भी कोशिश नहीं की और ना ही कोई अधिकारी वहां पहुंचा। प्रत्यक्षदर्शी अमित ने बताया कि दो गाय आपस में लड़ रही थी, जिससे एक गाय मुक्तिधाम के दरवाजे पर बने गड्ढे में जा गिरी, जिससे यहाँ पानी का बहना शुरू हो गया। यह घटना साबित करती है कि किस तरह से सरकारी कर्मचारियों द्वारा इस पाइपलाइन को बिछाने में लापरवाही को अंजाम दिया गया है, क्योंकि महज गायों के गिरने से ये पाइपलाइन कैसे टूट सकती है। जब मैं सुबह अपनी दुकान से घर आ रहा था विवेक कॉलोनी से, जब मैंने कैंट मुक्ति धाम पर देखा कि पानी की इतनी लंबी धार ऊपर जा रही थी, 10 से 15 फीट पानी का इतना प्रेशर था कि एक अगर कोई छोटा बच्चा अगर वहाँ आसपास भी खड़ा हो ना तो वो उड़ के फेंक जाए, इतना ज़्यादा प्रेशर था। और वहाँ पर एक गाय भी मर गई उस प्रेशर से, और जबकि ये अनदेखी हुई है नगर पालिका की तरफ से, क्योंकि वहाँ पानी जब वहाँ से जिस जगह से पानी निकल रहा था वहाँ पत्थर रखे हुए थे, वो पत्थर हटाए नगर पालिका ने। अब ये बताइए इस चीज़ का कौन जवाब देगा, और कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। और आप बताएं कितना पानी, कितना लीटर पानी वेस्ट हुआ है।